नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी 9 न्यूज। फरीदपुर बरेली इंग्लिश मीडियम प्राइमरी विद्यालय में चोरों का धावा, हजारों का माल चोरी। फतेहगंज पूर्वी मेन बाजार के पास विद्यालय में बीती रात चोरों ने ताले काटकर हजारों का माल चोरी कर लिया। सुबह को विद्यालय के अध्यापक पहुंचे, ताले कटे देखकर हैरान रह गए। विद्यालय के कमरों में रखा सामान चोरी हो गया। प्रधानाचार्य ने थाने में पहुंचकर चोरों के खिलाफ तहरीर दी। फतेहगंज पूर्वी में इंग्लिश मीडियम पूर्व माध्यमिक विद्यालय द्वितीय के प्रधानाचार्य विशाखा उपाध्याय ने पुलिस को सौंपी तहरीर में बताया कि शुक्रवार देर रात को विद्यालय की दीवार को फाड़ कर चोर विद्यालय में घुस गए। आरोप है कि विद्यालय के कमरे में ऑफिस रसोई के ताले काट कर कमरों के लगे पंखे व कुर्सियाँ, ऑफिस में रखी सैनिटाइजर एंड वॉश, खेल का सामान, रसोई घर का सामान व बच्चों की थालियाँ समेत हजारों का सामान को चोरों ने चुरा लिया। शनिवार सुबह को अध्यापक ने विद्यालय खोला तो ऑफिस में रखी अलमारी टूटी मिली। ऑफिस का सारा सामान तितर बितर, रसोई में रखा सामान गायब मिला। विद्यालय में चोरी की खबर फैली तो व्यापारियों में हड़कंप मच गया। व्यापारियों का कहना है कि नगर फतेहगंज पूर्वी में आए दिन कहीं दुकानों के ताले काटे जाते हैं तो कहीं खोखे काट कर सामान निकाल लिया जा रहा है। कुछ दिन पहले ATM के ताले काट कर चोरों ने पराग दूध डेयरी, अन्य कई दुकानों में चोरियाँ की। वारदात इस कदर बढ़ रही है जिससे व्यापारियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। संवाददाता अवधेश कुमार। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल ABP 9 न्यूज़, बरेली, उत्तर प्रदेश।